यह कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए भी स्वर्ग समान होते हैं। जल्दी करो, वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर तेरी जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा? माल कहाँ है, जल्दी निकाल। बुड्ढे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया, लेकिन तीनों में से किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी और समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड बाद, शाखा, ये तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज है। तुम भागो। दोनों तेजी से भागे, परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हमको माफ कर दो। माफिया तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला, मैं नहीं। पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान सड़क में दो गुंडे मुझको लूट रहे हैं? मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह। नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटे। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं, जो अपराधियों के खिलाफ एक मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज। अपराधियों का यह काल कहां से आया, इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से होती है। दुनिया का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं, जैसे छुर्रेबाज रंजन, जिसके चाकू जब हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती हैं, रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबू की एक फटकार पर खूंखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है, मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट लेते हैं, स्ट्रांग मैन हरक्यूलिस, जिसका जैसा नाम है वैसा ही काम, इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और शाम के झूले का करतब, जो जब जमीन से 60 फीट ऊपर हवा में दिखाए जाते हैं तो नीचे जाल नहीं लगता। ऐसे में जरा से भी चोक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत, परंतु ऐसे खतरनाक करतब को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते रहते हैं, आइए सुने। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहे हो, शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। और क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम तैयार हो? पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों की शोर से गूंज उठा। तुमने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा हाँ हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, या मुझको पहले नहीं पता था। सच? दरअसल राधा, ये बात कहना झूले पर कर्तव्य दिखाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंधों में बदल गई, और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारे पर ही रखेंगे, उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले जाते। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों के भी आंखों का तारा था। ओह नहीं सबीना। और सर्कस का मालिक जेकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा 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 बेटा। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा, जोर से बोलो, खेलने चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा था। घबराओ मत, वो गिरेगा नहीं, रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुर्रेबाज रंजन को सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर। सुलेमान को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। ये तो मेरा ही बाप निकलेगा। जो शेर, बाघ, शेर खान तक की बात नहीं मानते थे, वो ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है, इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे,
पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा, उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। हाँ ऐसे। अब सिर्फ हरक्यूलिस से ही ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतम कर्तव्यों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं, जैसे सिर से ईंट तोड़ना। और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली, और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था। ध्रुव के कर्तव्यों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कसों के मालिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, जैसे कुंदनपुर में चल रही ग्लोबल सर्कस की। बॉस, इस नाथों ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज्यादा दिया है। क्यों बे नाथू कमीने, हमने तुमको जानवरों पर नजर रखने के लिए रखा है, इनको तगड़ा करने के लिए। मांस की उस पोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था तो गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। तूने हमारा बहुत नुकसान किया है नाथू, चुप इसको, इससे स्पोर्टी का दाम वसूल कर लो। नहीं नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके आ लगा, और इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। इस बार चीखने का कोई मौका ना था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। अरे ये तो बेहोश हो गया बॉस। सिर्फ दो गुस्सों में बड़ा कमजोर निकला, बेचारों को शैतान की बड़ी चिंता थी। छीते जी तो बेचारा उसकी सेवा कर नहीं पाया, शायद मर कर सेवा कर पाए। मैं समझ गया बॉस, यू आर जीनियस बॉस। ले बेटे शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 सालों में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया था, आज वह हड्डी तक चबा जाने के मूड में था। बेचारा नाथू, पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी का क्या हाल है जिंगो? हालत खराब है बॉस, अब तो हमारे पास जानवरों का खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, अब कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ ही नहीं आता, अब कोई ग्लोबल सर्कस देखने आता ही नहीं है। जरूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है, शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया। ये भी कोई सर्कस था? हाँ, एकदम बकवास। पापा, वो जो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे इसकी और उस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। हाँ, यह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। अब ना तो दोबारा सर्कस देखने आऊंगा, ना किसी दोस्त को आने दूंगा मैं भी। जुपिटर पागल कर दिया मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लेटता था मैं, लेकिन जब से ये जुपिटर सर्कस आया हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था, और जल्द ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी। जुबिस्को को इसी का इंतजार था, वह तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ, अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। अरे यह पेट्रोल, ओह बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियां बांध रहा था। कौन हो तुम, रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। उसने एक झटके में कनस्तर रिंग के फर्श पर पलट दिया। महक श्याम के नाक तक पहुंची और वह लपका। पेट्रोल? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग, आग, भागो! जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलो, बॉस ने कहा था कि कोई भी सबूत मत छोड़ना।
परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलती की तरह पड़ी और अंदर आग। वह तेजी से बाहर भागा और उसकी नजर सबसे पहले जुबिस को और अपने पिता श्याम पर पड़ी। नहीं, ताकत में जुबिस को श्याम से दुगना था। उसका हाथ घूमा, श्याम की कनपटी पर एक करारी चोट पड़ी और वह होश खो बैठा। जुबिसको ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार कर उन तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिसको ने जलती आग में झोंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिसको का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था, परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। जुबिसको बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच में अब भी काफी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए, फेंको इसे। जुबिसको ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोला और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिसको की कार के पीछे लग गई। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खूंखार लपटें हर किसी को अपनी लपेट में लेने के लिए लपक रही थी। मौत की दहशत से भाग रहे गेंडों और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुछ ले जा रहे थे, लेकिन इन सबसे अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉस। चिंता मत करो जुबिसको, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में कभी नहीं चूका। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर है। एक धमाका हुआ, साथ ही साथ ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। जमीन पर ऐसा है पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल लाइटें देखता रह गया। तभी उसको चलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा, लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आग के प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। और साथ ही साथ राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ, ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूँ कि मैं उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेडर की गाड़ियां अभी तक नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिसको, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों बॉस, वो ध्रुव ने हमको देखा था। व्हाट, ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? ओफ, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस, जुबिसको के रहते हैं आप। शट अप गधे, उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे दो तीन को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड गार्ड। यस बॉस। देखो सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो, खूंखार शेर चीते लिए आदमी तैनात कर दो, और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था, ध्रुव जुबिसको को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हथियारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफी चहल पहल हो गई है। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ है। जरूरी है मेरे स्वागत का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जहाँ चाह वहाँ राह, और इस वक्त अंदर तक पहुँचने की राह है। ये हाई टेंशन केबल। केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्से पर चलने जैसा ही था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपाय चल रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण को पलटा और केबल एक झटके में नीचे जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली चारों तरफ फैल गई। पहरेदारों और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्द ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर यह क्या हुआ जुबिसको, बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट जलाकर देखता हूँ बॉस, लगता है केबल टूट गया बॉस। केबल टूट गया, पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज गूंजी, मैंने तोड़ा है। कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जुबिसको दो कदम आगे बढ़ा और चार कदम पीछे आ गिरा। इससे पहले कि जुबिसको संभल कर उठ पाता, ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लेटा दिया। हे गार्ड 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 गार्ड। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं, बेकार में अपने गले को तकलीफ मत दो, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा।
उन सबका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश बांड, एकदम परफेक्ट। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे दूं। ऐसे बच्चे, इस खेल का मुझको तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए शीघ्र ही। बेटे ध्रुव, इस खूंखार शेर को देख रहे हो ना, इसी का नाम शैतान है। ये 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जब इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका कि तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुर्राहट निकली। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया, उसके कान खड़े हो गए। वह कुछ सुन रहा था और यकायक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी और अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह क्या, जानवर कितना भी खूंखार हो लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बॉन्ड जमीन पर आ गिरा। अब तुम्हारी बारी। लेकिन इस बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को पर से हट गया और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने के लिए काफी थी क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। ध्रुव अब बॉस की तरफ पलटा। दूर रहो मुझसे, पास मत आना, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। ओह, बाहर जमीन में अब तक करंट तोड़ रहा होगा, रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी, अब बॉस का पांव गीली जमीन पे पड़ चुका था। ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ता चला गया। अगले दिन, मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ, हमने तुम्हारी कहानी के जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को के ही उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए हो तुम, वाह। धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था, यानी आज से तुम 50 लाख रुपयों के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिरकार तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम से भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनकी सिर्फ एक बेटी है श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फोन कर दिया है, उनके परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊं या नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस, तुमको ना पसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वे शहर के सीनियर एसपी हैं। यानी अंकल आप? हाँ बेटे। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला सूख गया।